स्वागत है स्टूडेंट। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड के क्वेश्चंस, और ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है। यहाँ पे ड्रॉ दी सिंबल्स सिंबल्स बनाने आपको ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स फॉर, तो ये बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और इनके आपको सिम्बल्स बताने कि इनके सिम्बल्स जो सर्किट में यूज होते हैं कैसे होते हैं, ठीक है, किस तरह के सिम्बल्स यूज होते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक सेल, उसके बाद की, उसके बाद वायर्स, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टर, बैटरी, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस। तो ये सारे अगर आप बनाते हो तो आपको टोटल 4 नंबर मिलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चे सॉल्व करके आ जाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता है या जो किसी कन्फ्यूजन रखते हैं कि इसका सिंबल कैसा होगा, तो इसमें सारे सिंबल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए इलेक्ट्रिक सेल, तो ये इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको सिंपल एक लाइन बनाना है, एक बड़ा और एक छोटा बनाना है, और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, जिधर बड़ा है उधर पॉजिटिव, जिधर छोटा उधर नेगेटिव। तो ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रिक सेल, ठीक। नेक्स्ट है की, ओपन प्लग की बोला था, ओपन ओपन मतलब खुला हुआ, ओपन प्लग की। तो देखिए ओपन प्लग की मतलब हो गया कुछ इस तरह का, ये ओपन हो गया। अगर मान लीजिए क्लोज बोलता तो बीच में एक डॉट होता, ठीक है, प्लग की हो गया ये। उसके बाद बोला था वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, मतलब कि वायर्स एक दूसरे को पार करेंगे लेकिन उनमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। जैसे आप ऐसा वायर्स अगर बना देते तो आप समझ रहे हो बीच में ये क्रॉस है, मतलब कि बीच में जो है दोनों एक दूसरे को मिल रहा है, मिक्स हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं दैट एक वायर अगर ऐसे जा रहा है, दूसरा वायर इसके ऊपर से ऐसे पार हुआ है, तो यहाँ पर वायर्स पार हो रहे हैं लेकिन उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इससे ये पता चल जा रहा है। नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टर, ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है इसका दूसरा नाम होता है रियोस्टेट, रियोस्ट सॉरी ऊपर लिखना था, वेरिएबल रेजिस्टर जो मैं बता रहा हूँ इसका दूसरा नाम होता है रियोस्टेट, ओके। इसमें क्या होता है कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हो, चेंज कर सकते हो, ओके। तो देखिए यहाँ पर आप सिंपल एक रेजिस्टेंस ऐसे बनाओगे और उसमें एक एरो का सिंबल ऐसे लगा देना, तो आपका बन जाएगा वेरिएबल रेजिस्टर बोल लो या रियोस्टेट, ओके। नेक्स्ट है बैटरी, फर्स्ट में हमने बनाया था सेल, फर्स्ट में हमने बनाया था सेल, एक बनाया था पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन बहुत सारे सेल्स मिलाने पर बनता है बैटरी। तो इस चलते यहाँ पर देखिए बहुत सारा होगा, एक ऐसा फिर छोटा, ठीक है, फिर एक बड़ा फिर छोटा फिर एक बड़ा फिर छोटा, इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे सेल्स आपस में, तब जा करके बैटरी बनेगा। नेक्स्ट है बल्ब, तो बल्ब का सिंबल आप देख पा रहे, एक फिलामेंट की तरह से ऐसे, ठीक है, और लास्ट में रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऐसे सिंबल जिग जैग। तो ये सारे सिंबल्स थे, अगर ये सारे आप बना लेते हो तो 4 नंबर तो आपको ऐसे बिना किसी गलती के इसमें मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।